ओम शांति। हम सभी आज संकल्प सिद्धि और सिद्धि स्वरूप कैसे बने, इस पर बाप दादा हमें क्या कहते हैं, हमें कौन सी युक्तियाँ दी, आज हम जान लेते हैं। संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने, सिद्ध स्वरूप बनने अथवा सिद्धि की प्रत्यक्षता का पाठ बजाने के लिए आवश्यक पुरुषार्थ और शक्तियाँ। प्यारे बाप दादा कहते हैं, विशेष खजानों को कैसे यूज़ किया जाता है, ऐसे अपने संकल्प के खजाने व एनर्जी को पहचान, ऐसे कार्य में लगाओ, तभी सर्व संकल्प सिद्ध होंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो फिर कैसे बनेंगे, बाबा क्या कहते हैं कि कम सोचो अर्थात सिद्धि स्वरूप संकल्प करो। सिद्ध स्वरूप संकल्प करना अर्थात समर्थ संकल्प, उसमें कोई भी व्यर्थता न हो, न हम ही अपने कमज़ोर संकल्पों से उसे क्रॉस करें। तो सिद्धि स्वरूप संकल्प करो, मुख से सदा महावाक्य बोलो। महावाक्य सदा गिनती के होते हैं। मनश्रेष्ठ अगर संकल्प करते हैं तो मुख से कैसे निकलेंगे, क्योंकि संकल्प जैसे चलेंगे वो भी वही हमारे वाणी में आएगा, चेहरे से दिखेगा, चाल चलन से दिखेगा, कर्म से दिखेगा। तो मुख से सदा महावाक्य बोलो। अगर श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो वाक्य क्या होंगे, महावाक्य, और महावाक्य सदा गिनती के होते हैं, माना कम लेकिन शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तो दो एनर्जी, संकल्प की और वाणी की व्यर्थ खर्च नहीं करो। तो संकल्प भी हमें चेक करते रहना है। फिर प्यारे बाप दादा कहते हैं कि संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है, कौन सा, कि व्यर्थ संकल्प न रच, समर्थ संकल्प की रचना करो। व्यर्थ रचना बंद करो। व्यर्थ रचना कब बंद होगी, हम चेकिंग करेंगे तब, कि हमारे जो भी संकल्प चल रहे हैं तो हमने बाप दादा के आगे तुरंत रख देना, एक सेकंड में उस पर बाप दादा को पीछे पूछे बिना उस पर हमने काम नहीं करना है, उसे व्यक्त नहीं होना है उस संकल्पों के जैसा। क्योंकि जैसे होता है मशीन में हम कोई डाल दे तो हमें चेक करके निकलता है कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, वैसे बाप दादा रूपी मशीन में हमें अपने पूरे संकल्प चेक करने के लिए डाल देना है, बाबा दादा के आगे रख देना है। तो क्या होगा, व्यर्थ संकल्प हमारे बंद ही हो जाएंगे। बंद करो माना अपने आप से कोई प्रयत्न नहीं करना है, प्रयत्न यही करना है, यही अटेंशन देना है कि संकल्प बाप दादा के आगे रखना है। सिद्धि को पाने के लिए सिर्फ एक बात बुद्धि में स्पष्ट आ जाए तो सहज ही विधि को पा सकते हो, माना सिद्धि हमें प्राप्त हो सकती है संकल्पों की। वह कौन सी बात, तो बाबा बात बताते हैं, देह की दृष्टि के बजाय देही की दृष्टि परिवर्तन करना, व्यर्थ व्यक्त संपर्क को अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करना, बड़ा सहज पुरुषार्थ है। हमें ना रोकना है ना कंट्रोल करना है, हमें क्या करना है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देना है। दृष्टि, देही दृष्टि को, जैसे बहुत जन्मों की आदत सी हो गई है ना, उस दृष्टि को हमें देही दृष्टि में परिवर्तित करना है, देही दृष्टि अर्थात आत्मिक दृष्टि में। तो पहला पाठ यही पक्का करना है खुद के लिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये रटना ही है, ये पाठ हमें पक्का करना है, तभी हमारी दृष्टि भी दैहिक होगी। और व्यक्त संपर्क माना जो भी लौकिक संपर्क है, लौकिक परिवार है, हम देह और देह के संबंध में आते हैं, तो लौकिकता से ना आकर अलौकिकता से, श्रेष्ठता से, रूहानी, हम मैं कौन हूँ और मैं हूँ रूहानी सेवाधारी, तो इस अलौकिक भाव से ही हमें
अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करना है, अर्थात अव्यक्त और अलौकिक परिवर्तन। उसी परिवर्तन से हमें संपर्क में आना है। लाइट है और माइट कम है तो सदा सिद्धि स्वरूप नहीं हो सकते। बाप दादा ने क्या देखा हम बच्चों में, लाइट है माना ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान का प्रकाश बहुत है, लेकिन माइट कम है माना योग बल कम है, तो सदा सिद्धि स्वरूप नहीं हो सकते। कभी कभी सिद्धि मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी, लेकिन कभी कभी नहीं मिलेगी। लाइट के साथ माइट भी है, तब ही सदा विजयी बन सके जाएंगे। माना हम किसी ज्ञान स्वरूप है तो ये नहीं चलेगा, हमें योगी भी बनना है। तो जिसे भी हम ज्ञान दान देंगे तो ज्ञान स्वरूप बनने के साथ उसमें माइंड भी चाहिए, योग बल भी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बाबा को याद करके अगर किसी को ज्ञान देते हैं निस्वार्थ रीति से, दिल से, उसके साथ शुभ भावना के साथ किसी को हम ज्ञान देते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। संकल्प वाणी कर्म सभी सिद्ध हो जाए, इसके लिए कौन सी पावर चाहिए? सभी जो शक्तियाँ सुनाई थी वह तो चाहिए ही, लेकिन उनमें भी पहले कंट्रोलिंग पावर विशेष चाहिए। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अगर कंट्रोलिंग पावर यानी क्या, यथार्थ उत्पत्ति हो, संकल्पों की वाणी यथार्थ वाणी निकले। अब उत्पत्ति माना रचना करना, तो श्रेष्ठ संकल्प होंगे तो वाणी भी यथार्थ होगी, यथार्थ संकल्प होंगे तो यथार्थ वाणी निकलेगी, और कर्म भी कैसे होंगे, यथार्थ कर्म हो। तो जब यथार्थ उत्पत्ति हो संकल्पों की व यथार्थ वाणी निकले, यथार्थ कर्म हो, तो हो ही नहीं सकता कि सिद्धि ना हो। लेकिन व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यथार्थ की सिद्धि होती है, व्यर्थ की नहीं होती। यथार्थ अर्थात श्रेष्ठ जब होगा वही सिद्ध होगा। व्यर्थ संकल्प चले और हम बाबा से कहे कि बाबा कि यह सिद्ध होना चाहिए, तो वो हो नहीं सकता। तो अपने संकल्पों की चेकिंग, संकल्पों पे अटेंशन सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। एक है मोड़ने की शक्ति और दूसरी है ब्रेक लगाने की शक्ति। मोड़ना भी है तो कितने समय में, भले मोड़ना आता भी है लेकिन कहाँ कहाँ समय बहुत लग जाता है। समय न लगे वह संकल्प करना, संकल्प किया और सिद्ध हुआ। अर्थात बाबा कहते हैं कि बच्चों को मोड़ना आता है, लेकिन मोड़ भी लेते हैं लेकिन टाइम लगता है, और ब्रेक भी लगाना, तो ब्रेक भी कब लगाना है ये भी हमें समझना चाहिए, वरना फुल स्पीड में संकल्प चल रहे हैं और तुरंत ब्रेक लगाए तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, समझ में नहीं आएगा, पूरा हमारा कन्फ्यूज हो जाएंगे हम कि मैंने तो ब्रेक लगाया लेकिन संकल्प रुक ही नहीं रहे और फुल फोर्स से आएंगे। तो बाबा यही कहते हैं कि मोड़ना भी तो है तो कितने समय में। तो अपने अटेंशन अपना देना है संकल्पों पे कि कहाँ मोड़ना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, मोड़ना अर्थात कहाँ झुक जाना है, कहाँ बैक फुट पर आना है, दो कदम पीछे आना है, कभी कभी होता भी है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मोड़ना भी होता है तो ये भी हमें समझना चाहिए। तो अर्थात कंट्रोलिंग पावर अगर हो, माना संयम हम को आ जाए अपने संकल्पों पे, व्यर्थ संकल्प चले भी तो उसे परिवर्तन एक सेकंड में, मोड़ना अगर आ गया तो फिर क्या होगा। बाबा कहते कि जैसे संकल्प किया और सिद्ध हुआ, समय न लगे वह संकल्प करना है ना, ज़्यादा समय न लगे नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ, लग ही नहीं रहा, ऐसा ब्रेक लगाया कि हम एक्सीडेंट हो गया हमारा, ऐसा भी ना हो तो थोड़ा सोचना है हमें। बड़ा सहज पुरुषार्थ बाबा ने कहा है कि व्यर्थ का एक सेकंड में समर्थ में परिवर्तन करना, और सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ यही है, क्योंकि अभी इस समय तूफान बनकर सुनामी बनकर व्यर्थ सभी चारों तरफ से हमें
माया हैरान करेगी, लेकिन तुरंत एक सेकंड भी ना हो, बस वैसे पुरुषार्थ करने का, अगर हम पुरुषार्थ करें तो ज़रूर हमारे संकल्प श्रेष्ठ बनने लगेंगे। श्रेष्ठ संकल्प बने तो वाणी बोल भी श्रेष्ठ होंगे, कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। तो हमें सबसे पहले चेकिंग करनी है अपने संकल्पों की, अटेंशन देना है अपने संकल्पों पे। ओम शांति।